घुघुसा निवासी सदाम मंडल के नाबालिग पुत्र आदित्य कुमार मंडल का शव घर आते ही पूरे घर में कोहराम मच गया। मृतक की मां, पिता, बहन सहित सभी परिजनों के चित्कार से उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गई। शव आने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। वहीं सूचना मिलने पर केंद्रीय संरक्षिका झारखंड सूड़ी समाज कल्याण समिति के रेखा मंडल, घुघुसा पंचायत पूर्व मुखिया प्रतिनिधि श्रीकांत मंडल, पंचायत समिति सदस्य निरंजन मंडल, चीफ यार्ड मास्टर बीसी मंडल सहित कई लोग मौके पर पहुंचे और परिवार को ढाढ़स बताया। झारखंड सूड़ी समाज कल्याण समिति के रेखा मंडल ने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और लड़की को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रेखा मंडल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तोपचाची थाना प्रभारी से मिले, 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए इस मामले का उद्भेदन करने की मांग की। इस मामले में तोपचाची पुलिस ने दो युवकों और एक नाबालिग युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि रविवार की देर शाम जीएम पब्लिक स्कूल के नाबालिग छात्र आदित्य कुमार की हत्या धारदार हथियार और पत्थर से कुचल कर की गई है, जिसका शव आरओबी के समीप एक झाड़ियों में पाया गया। लोग इससे हत्या को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रहे हैं। युवक का अंतिम संस्कार शाम को किया। कल रात में जो हत्या की घटना घटी है गोमो में, क्या कहेंगी आप? ये घटना एकदम बहुत बहुत निंदनीय है। इस तरह का से जो निर्मम हत्या किया गया है, इसको तो प्रशासन से हम मांग करेंगे हैंगिंग का, हैंग होना चाहिए। और लड़की को भी, जो लड़की इस तरह से किया है, लड़की को आजीवन कारावास। प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है क्या? जैसे हम कुछ सुने अभी उनका घर में जाके, और उनको जो साथ में लेके गया था चिकन चिल्ली खिलाने के लिए, उसका फुफेरा भाई है रिश्तेदार में, उसको भी, उसको तो स्पेशली हैंग होना चाहिए। लेकिन वही ले गया था बाला फुसला के और निर्मम हत्या करके उसको खबर कर गए घर वाले। पुलिस कार्रवाई संतुष्ट है? नहीं, अभी तक संतुष्ट नहीं है। क्या मांग? प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द जितनी भी इसमें अभियुक्त थे उन लोगों का खोज के निकाले और उन लोगों का कड़ी से कड़ी सजा दे, आजीवन कारावास, और हैंग जो दोषी है उसको हैंगिंग करें।